गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं उपस्थित हूं सिलनी गांव पंचायत के अंतर्गत। सिलनी गांव में आप लोग देख सकते हो आज यहां पर ऑल असम केंद्रीय मगर समिति द्वारा त्रिवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ आज ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारा मगर संप्रदाय का जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है, परंपरा है, आज स्पेशली मेरा ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ। मेरा ब्लॉग में आगे जाकर जो कुछ पॉसिबल होगा जरूर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सिलनी। मैं गेट के अंदर पहुंच चुका हूं। सो गाइज फाइनली मैं आप लोगों को हमारा मगर संप्रदाय का जो ट्रेडिशनल हाउस है वो दिखाना चाहता हूँ। गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा मकर संप्रदाय का एक ट्रेडिशनल हाउस है। तो मैं थोड़ा सा अंदर जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा ये ट्रेडिशनल पूजा किस तरीके से किया जाता है, मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को गाइज। तो ये रीति रिवाज है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और भी कुछ दिखाना है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर भी सुंदर तरीके से बनाया गया है और क्या किया है ज़रूर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर आरनी एस्पा खाजा की फसल। ये छोटा सा मतलब मुर्गा उर्गा रखने के लिए जगह है पर आप लोग देख सकते हो ये पिगेरी है और दिखाऊंगा मैं ज़रूर। सो इस तरीके से एग्जीबिशन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा मगर संप्रदाय का और भी एग्जीबिशन में कुछ चीजें रखा गया है जरूर। इसको मादल कहते हैं और तो मैं दिखा रहा हूँ ये सारंगी है हमारा खेती बाड़ी के लिए किया जाने वाला कुदाल आप लोग देख सकते हो। इसको हमारा भाषा में जाता कहते हैं जो परंपरागत था लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा समाज से ये विलुप्त होते जा रहा है। तो ये जाता है यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग खींच सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को स्पेशली दिखाना चाहता हूँ ये भी हमारा समाज से अभी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। इसको कहते हैं ढेकी। इसमें चलाते हैं मैं चला के दिखाऊंगा आप लोगों को।
तो गाइस काफी कुछ आज मेरा ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिला। अंशु जी है यहाँ पर, भाई ने काफी मदद किया मुझे, बोलता है हमको हेल्ची पर कुछ सीड है, उसके बाद चावल है, धान है और बहुत सारे चीज यहाँ पर है, और मूली का है, इसको हम लोग गुंदरू कहते हैं, और यहाँ पर कुछ लौका, इसको बोलते हैं लौका। तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मड़ुआ है जो इतना भी धीरे धीरे, ये भी खेती अभी हमारे समाज से विलुप्ति होते जा रहा है, और गाइस इसका आटा भी बनता है, ट्रेडिशनल छतरी है। आज का जमाने में ये ट्रेडिशनल छतरी भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, जरूर मैं दिखाऊंगा मेरा ब्लॉग में, मतलब इस तरीके से इसको ढककर खेत पत्थर में काम किया जाता था, और ये काफी बारिश से या फिर धूप से भी बचाएगा, ये काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है, मतलब इसे धान चावल कैरी किया जाता था, ये कुछ सामान कैरी किया जाता है इस तरीके से। तो ये पानी पीने वाला है, ये दही रखने के लिए बनाया गया है, ये बैठने के लिए यूज किया जाता है, तो इस तरह जाऊंगा मैं। ये भी तामा का है क्या? तामा का है। अच्छा अच्छा, ये भी तामा का है गाइस, और ये भी तामा का है, मतलब जितने भी चीज यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सारे तामा के हैं, और आगे कुछ एग्जीबिशन में और भी कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं, जरूर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। हमारा गांव का एक भैया का म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पर आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा कभी हर एक जगह में हमारा चीज़ म्यूजिक सिस्टम को इन्वाइट किया जाता है, म्यूजिक सिस्टम दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये सारा म्यूजिक सिस्टम है तो यहाँ पर भी है, और कुछ सांस्कृतिक संध्या भी रखा गया है, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है। चिंते साउंड सिस्टम है, संजीव भाई है, और इधर आपका भाई विशाल, सो तरीके से स्टेज बनाया गया है, देख सकते हो आप लोग, नमस्ते मिझोर का मतलब है नमस्ते। सो आप लोगों ने ये शब्द नहीं सुना होगा, पहले बार सुन रहे हैं आप लोग, और गाइस हमारा मगर संप्रदाय का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारा एक बहन है यहाँ पर, और मैं बहन से जानने के लिए कोशिश करूँगा, ये टोटल आप लोगों को जो दिख रहा है ये मगर वेशभूषा है, सो बहन से जानने के लिए कोशिश करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती चंदा थापा है। अच्छा, मैं बोरमटा बोगाबिल से आई हूँ। हाँ। अच्छा, आपने प्रश्न किया हुआ उसका जवाब देने चाह रही हूँ। हाँ हाँ, जो आप लोगों का जो मेरा कान में लगाया हुआ है ना। हाँ हाँ, उसका हम चपटी सुन बोलते हैं। हाँ जी, हाथ में लगाया हुआ को बोलते हैं ढुंगरी। ढुंगरी, हाँ जी, और इसको बोलते हैं हम पछौरी। पछौरी, हाँ जी, और इसको हम बोलते हैं घलेक। घलेक, घलेक जी, जो कम्बर में हम येलो हाँ कलर का लगाया हाँ हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं पटुकी। पटुकी, हाँ जी, तो ये बांधा हुआ उसको बोलते हैं हम खुरपेटो। खुरपेटो, इससे हम जंगल में काम करने जाने से हम लोग ये खुरपेटो जो हाँ लगाते हैं काम में हाँ, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम चीनो है, मगर का चीन है, मगर का चीन है जो आप लोगों ने सुना। ये जो आपका ये है ना हाँ, ये जो असम में हम लोग यहाँ में असम बस ये बोलते हैं आपको मेखला, मेखला ये हम लोग का बोलते हैं पटौनी। पटौनी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, और एक होता है सिर में हाँ जी चंद्रपुली, दीदी हाँ दिखा दीजिए, चंद्रपुली। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हो वेशभूषा के अंदर चंद्र, और हमारा जो ट्रेडिशनल ये इसको हम पोते बोलते हैं। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, और जो आप लोगों ने आपने जो पहना है ये जो हाँ हम लोग हाड़ी बोलते हैं। हाड़ी ना, हाड़ी हाल, हाँ हाड़ी हाल ना। सो गाइज आप लोगों ने सुना ये है वेशभूषा जो काफी यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जरूर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये पतंग है, और ये सारा पतंग है, और कुकुरी भी होगा यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, ये देखिए गाइस। और आगे हमारा बहन का दुकान है यार यहाँ पर, मुझे पता नहीं था, दिखाऊंगा जरूर, ये देखिए हमारा बहन, ठीक है, राम रही, लो लो लो, यहाँ पर आई हुई है बहन का दुकान है।